अब हम बात करते हैं व्हाई चार्टर्ड अकाउंटेंसी के, चार्टर्ड अकाउंटेंसी ही क्यों, बाकी भी फील्ड्स हैं काफ़ी सारी, आपने काफ़ी सारी एक्सप्लोर कर भी ली होंगी, और जो ये हैं आज आपके साथ मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि यानी क्या है। तो प्रेस्टीजियस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, हाई स्कोप इन पाकिस्तान एंड इंटरनेशनल। अब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर ली तो आपका काम सिर्फ पाकिस्तान में ही, आपके सिर्फ पाकिस्तान में सर्विस दे सकते, नहीं, आप इंटरनेशनली जो है, हमारा सीए जो है आईकैप जो है वो अफिलिएट है, यानी सीए जो है अफिलिएट डिफरेंट बॉडीज के साथ हैं, आप इंटरनेशनली तौर पर जाके अपनी जो है सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, यानी इसमें कोई आपके ऊपर बैन नहीं है। आप सिर्फ पाकिस्तान में ही इसका स्कोप नहीं है बल्कि इंटरनेशनली इसका स्कोप है। अब कहते हैं फॉलोइंग रेंज ऑफ सर्विसेज कैन बी प्रोवाइडेड बाय एसीए। अब कह रहे हैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो फॉलोइंग सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकता है, कौन कौन सी, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, ऑडिटिंग की प्रोवाइड कर सकता है, टैक्स प्रैक्टिस की कर सकता है, लॉ प्रैक्टिस की कर सकता है, बिजनेस मैनेजमेंट में जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, वैल्यूएशन सर्विसेज में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, एंड देन बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग बीआरपी में आप अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, आईटी मैनेजमेंट में, ऑडिट एंड कंट्रोल्स में, यानी बेशक जो मर्जी डिपार्टमेंट हो जाए, आप आईटी आ गए, आप कहेंगे सर आईटी में कैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वर्कआउट कर रहा होता है, यानी आईटी की बहुत बड़ी फील्ड है, लेकिन यहाँ पे भी जो ऑडिटिंग से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड काम होगा, मैनेजमेंट से रिलेटेड काम होगा, उसमें भी चार्टर्ड अकाउंटेंट इन्वॉल्व होगा। उसमें किस तरह, यानी अगर आप देख रहे हो तो आईटी वाले को सिर्फ अपने सिस्टम्स का पता होता है कि उसमें सिस्टम्स कैसे डिवेल्प करने हैं, उसे ये नहीं पता कि ऑडिट के सिस्टम्स कैसे डिवेल्प करने हैं, उसे ये नहीं पता कि अकाउंट्स के जो है मैं सेटअप जो है वो कैसे बनाने हैं, अकाउंट्स को मैंने कैसे जो है वो डेवलप करना है। तो इन सारी चीज़ों में जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन्वॉल्व होता है। कंट्रोल्स कैसे डिजाइन करने हैं किसी भी कंपनी के, तो इसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत ही अपना एक अहम रोल जो है वो प्ले कर रहा होता है। अब आ जाती है बात इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग की, ईआरपी में, इसमें भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपना जो है एक प्रॉपर रोल प्ले कर रहे होते हैं, और एक बहुत सारी और भी फील्ड्स हैं, अगर मैं डिस्कस करना बैठूं तो काफ़ी सारा टाइम जो है उसके लिए चाहिए, तो इसको मैंने छोटा सा जो है कंसाइज करके आपको बताया कि ये फील्ड्स हैं, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड्स हैं जो मैंने आपको कोशिश की कि मैं आपको बता सकूँ कि ईजी वे से कि उनमें चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। तो इस वजह से ये यानी आपको जो है ज्वाइन करना चाहिए, ये इसका एक स्कोप है। अब हाईली पेड प्रोफेशन है, बिल्कुल ही हाईली पेड प्रोफेशन है, यानी सबसे ज़्यादा हाईली पेड प्रोफेशन है। अगर आप देख रहे हो कि काफ़ी सारे आपके प्रोफेशंस माइंड में होंगे, सारे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो आपके माइंड में आ रही होंगी, इंजीनियरिंग, जजेस, एचआर मैनेजर, बैंक मैनेजर, जितने भी हो रहे होंगे, आप एमबीबीएस की तरफ अगर जा रहे हो, डॉक्टर्स की तरफ, तो इन सब में अगर आप देख रहे हो, अगर आप सर्च आउट कर रहे हो, तो मैंने कुछ स्नैपशॉट लेके जो है स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे फिल अप किए कि ताकि आपको पता हो, यानी वो कह रहा है फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टॉप पेड फील्ड्स दैट वन कैन कंसिडर टू चूज सक्सेसफुल प्रोफेशनल कैरियर के तौर पे। तो सबसे पहले आपका आता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। इन चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ऐसी फील्ड है जिसकी हाईली पेड सैलरी है, पाकिस्तान में भी और आउट ऑफ फॉरेन कंट्रीज में भी। 10 बेस्ट पेइंग जॉब्स इन पाकिस्तान, आप गूगल पर सर्च आउट करें, आपको बताएगा कौन सी है चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड देन सेकंड पे एमबीबीएस और आईटी प्रोफेशनल, यानी हर क्वालिफिकेशन में उसने डिफरेंट डिफरेंट रेंजिंग दी होगी, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो आपकी एक जो है फील्ड है, इसको हमेशा टॉप पे रखा जा रहा होता है, कि टॉप पे आ रही होती है, और ये बहुत ही चंद लोग होते हैं जो इसे प्रॉपर जान रहे होते हैं। तो इसके लिए आज प्रॉपर सेशन नियर भी इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया है कि इसके बारे में स्टूडेंट्स को अवेयरनेस हो कि यार ये सीए क्या फील्ड है, अभी तक जो आपके माइंड में जो होगा उसको क्लियर आउट हो, आपकी कंफ्यूज क्लियर आउट हो, इसके बारे में जो डाउट्स हैं वो क्लियर आउट हों। तो ये हाईली पेड प्रोफेशन, यानी स्टार्टिंग भी अगर आप देख रहे हो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्टार्टिंग भी, तो 6 digit सैलरी में इसकी स्टार्टिंग हो रही होती है। नॉर्मली अगर आप कोई भी प्रोफेशनल देख रहे हो तो किसी भी प्रोफेशनल पर्सन की 6 digits में स्टार्टिंग सैलरी नहीं हो रही होती। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि एक आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं जो आपको जो है पूरी दुनिया में जो है एक्सप्लोर कर रही होगी। एक क्वालिफिकेशन और न्यूमरस कैरियर चॉइस, यानी कोई भी आपका एक क्वालिफाइड पर्सन है, आप कोई भी फर्म, कोई भी इंडस्ट्री उठा के देखें, तो उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए जो प्लेसिंग है वो हमेशा अवेलेबल होती है। हर कंपनी चाह रही होती है कि हमारे पास एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो हमारे अकाउंट्स को अच्छी तरह मैनेज कर सके, जो हमारे जो ऑपरेशंस हैं, जो हमारे कारोबार है उसको अच्छी तरह मैनेज करे। क्यों चाह रहे होते हैं? इसलिए चाह रहे होते हैं कि प्रोफेशनल पर्सन है, ये हमारी कंपनी को मजीद प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेके जा रहा होगा। यानी अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो आपकी एक वर्थ होती है कि आप पहचाने जा रहे होते हैं, आप किसी भी अदारे में जा रहे हो तो आप पहचाने जा रहे हैं, या इस चार्टर्ड अकाउंटेंट, इस सीए जो कि हमारी कंपनी की एक बेहतर
तरीके से रन कर सकता है, हमारी डायरेक्शन जो है वो एक बेहतर तरीके से हमारी कंपनी की सेटअप कर सकता है, हमारे प्रॉफिट्स को जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बेहतर बना सकता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आप बैंकिंग फील्ड में जा सकते हैं, किसी भी मल्टी नेशनल कंपनी में जा सकते हैं, एनर्जी फील्ड में जा सकते हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो कंपनीज होंगी वो भी ऑफर कर रही होंगी आपको जॉब्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी अवेलेबल होती हैं आपके लिए जॉब्स, कंज्यूमर गुड्स के लिए भी कैरियर चॉइसेस यानी मैं बता रहा हूँ आपको, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी है, टेलीकॉम में भी, इंश्योरेंस में, टेक्सटाइल में, फार्मास्यूटिकल हेल्थ केयर, यानी अगर आप देख रहे हो तो कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जिसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए प्लेसिंग नहीं होगी। हाँ अगर आप देख रहे हो दूसरी से, अगर मैं कंपेयर दूसरों को, मैं जो डिग्रेड नहीं कर रहा वैसे कंपेयरिंग के तौर पर अगर आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं दूसरी फील्ड्स में यानी अगर आप इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं तो उसके लिए जरूरी होगा कि वो इंजीनियरिंग कंपनी की तरफ जा रहा होगा, उसके लिए ये नहीं होगा कि वो फार्मास्यूटिकल कंपनी में चले गए, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में तो इंजीनियर्स का काम नहीं। अब डॉक्टर है तो डॉक्टर देख रहा होगा कोई, मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी किसी हॉस्पिटल में जा रहा हूँ तो उसके लिए ये होगा कि वो इन चीज़ों को देख रहा हो, ये नहीं होगा कि अगर कोई इंजीनियरिंग कंपनी है, कोई एनर्जी सेक्टर है तो उसमें जा रहा हो, नहीं। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ऐसा पर्सन है वो हर फील्ड में जो है वो फिटअप होता है, हर फील्ड में इसके लिए जो है वो प्रॉपर प्लेसिंग्स आ रही होती हैं, प्रॉपर हाई जो है वो रैंक्स है जो है वो सीट्स आ रही होती हैं, ये नहीं कि आपके लिए कोई लो रैंक सीट आ रही होंगी, प्रॉपर यानी अगर आप देख रहे हो किसी भी इंस्टीट्यूट में तो नॉर्मली आप बैंकिंग सेक्टर में भी जा रहे हो तो आप उनको CFO के तौर पे आप अपनी उन कंपनीज को जो है वो लीड कर रहे होते हैं, आप हेड्स ऑफ अकाउंट्स को डील कर रहे होते हैं, यानी किसी भी डिपार्टमेंट के आप हेड के तौर पे जा रहे होते हैं नॉर्मल तौर पे, अगर आप अपने आप को एक बेहतर तरीके से लेके चल सकें। तो ये था कुछ आपके माइंड में क्लैरिटी के लाने के लिए CA ही क्यों, तो ये आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में भी बता दिया, CA क्यों, इसका कैरियर स्कोप क्या है, अगर आप ज्वाइन करते हैं आप इसे क्वालिफाई करते हैं तो आपके लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं वो अवेलेबल होंगी पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी, इन सारी चीज़ों को होप्स हो के क्लियर आउट हुआ होगा आपकी सारी चीज़ें।